तो हमारी बाइक है क्रूज कंट्रोल और 67 की स्पीड है और फोर्थ गियर है। लो जी, फिफ्थ गियर भी कर दिया हमने ऑटोमेटिक और सिक्स्थ गियर भी कर दिया है ऑटोमेटिक और बिना हमने हाथ लगाए अपनी बाइक को। तो ये हमारी क्रूज कंट्रोल चल रही है बाइक और इसको जैसे ही मैं इसको एक्सीलरेट को ख़त्म करूँगा तो ये हमारी क्रूज कंट्रोल ख़त्म हो जाते हैं और ये मैं क्लॉकवाइज घुमा दिया इस रोलर को। तो गाइस, ये है हमारा एक्सेलरेटर बाइक का और ये जो पार्ट है इसको चेंज करेंगे हमारे इस क्रूज कंट्रोल से और ये वेट का हिस्सा इसको पहले निकालेंगे। तो हमारी बाइक है क्रूज कंट्रोल, ये देखिए ऑटोमेटिक एक ही स्पीड पे चल रही है और इसको हमने क्रूज कंट्रोल कैसे बनाया है वो मैं बता दूं आपको। तो ये जो आप रोलर देख रहे हैं तो ये रोलर है अपना इजी क्रूज और ये प्रो स्पेक का इजी क्रूज है और इसको मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था और इसका प्राइस है 2375 और जबकि इसकी वेबसाइट पे मिलता है 2250 प्लस 125 इसका जो कूरियर चार्ज होता है। तो मतलब रेट दोनों पे एक ही है और इसको मैंने बाय किया था अमेज़ॉन से जो मैं बता चुका हूँ। तो ये एक गत्ते के डब्बे में बहुत अच्छी पैकिंग में आता है और उस गत्ते के डब्बे को जैसे ही खोलोगे आप तो उसमें एक लोहे का पैकिंग आती है, टीन पैकिंग आती है और तो उसके अंदर से ये इजी क्रूज निकलता है रोलर टाइप का और काफ़ी मतलब कि सॉलिड प्रोडक्ट है। और इसके अलावा भी दो तीन प्रोडक्ट आते हैं, मैंने सर्च किया था लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली है, 9-10 हज़ार से नीचे कोई नहीं है। अगर आप अपनी बाइक को क्रूज़ कंट्रोल करना चाहते हैं तो एक आई थिंक गो क्रूज़ के नाम से आता है और एक और का नाम नहीं पता। तो टोटल तीन प्रोडक्ट मैंने अभी तक देखे हैं जो अपने बाइक को क्रूज़ कंट्रोल कर देते हैं। और इसके अलावा एक पाम रेस्ट भी आता है, एक प्रोडक्ट है पाम रेस्ट के नाम से, वो अपना 7500 रुपये का आ जाता है। वो मेरी वीडियो ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो मैंने उसको काफ़ी यूज़ किया था, आपके हथेली को काफ़ी उसको रिलैक्स मिलता है क्योंकि लॉन्ग राइड में आपका जो ये एक्सीलेटर हैंड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसको रिलैक्स नहीं मिलता। तो इसको रिलैक्स करने के लिए ये हम जो क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस, इंस्टॉलेशन की बात कर लूँ तो 10 नंबर एलन की लेके आपको ये अपना वेट जो लगा हुआ है ये पार्ट इसको खोलना पड़ेगा और देखिए मैंने ऐसे खोला इसको वेट को और उसके बाद बीच में एक रोलर होता है उसको निकाल देना है और उस रोलर को रिप्लेस करना है ये इजी क्रूज के साथ। तो उस रोलर को हम रिप्लेस कर देंगे इजी क्रूज के साथ, प्रोसेक का जो इजी क्रूज है। और जो आउटर पार्ट होगा जिस पे नाम लिखा हुआ प्रोसेक वो आउटर पार्ट होगा, ये बाहर की तरफ और दूसरी साइड अंदर की तरफ लगेगा। और बहुत इजी इंस्टॉलेशन है, आप घर पे एलएनटी से कर सकते हैं। और इसके अलावा मैकेनिज्म बता दूँ कैसे मैं ये काम करता है, ये क्या जो रोलर होता है अगर हम इसको एंटी क्लॉक घुमाते हैं, एंटी क्लॉक घुमाते हैं तो ये टाइट हो जाता है और ये हमारी बाइक को जो ये अपना एक्सीलेटर को लॉक कर देता है और ये हमारी हो गई इजी क्रूज। ये देखिए, और भीड़ भाड़ में बड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा आपको, ये इजी क्रूज चल रही है हमारी बाइक। ये देखिए अपना एक्सीलेटर काम कर रहा है, अगर इसको मैं जो इजी क्रूज क्रूज कंट्रोल को हटाऊंगा तो हमने हल्का सा अपने इसको जो एक्सीलेटर का हैंडल है उसको हल्का सा मोड़ देना है तो वो इजी क्रूज ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा आपको रोलर को हमें घुमा लेना है क्लॉकवाइज, अगर इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो ये रिलीज़ कर देगा इसको हमारे एक्सीलेटर को। तो सिर्फ ये सिंपल मैकेनिज्म है और इसको जो प्रैक्टिस करनी है आपने स्लो जो स्पीड में प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा भीड़ भाड़ में प्रैक्टिस नहीं करनी,
क्योंकि बार बार ब्रेक लगती है तो ये आपका इजी क्रूज काम नहीं करेगा, मतलब कि आप टक्कर मार देंगे। तो बड़े ध्यान से काम करना पड़ेगा। बाकी जो कंपनी से ये अपना क्रूज़ कंट्रोल होता है उसका मैकेनिज्म अलग होता है, आप फिक्स एक स्पीड पे क्रूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद जैसे ही ब्रेक मारते हैं तो वो क्रूज़ ख़त्म हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको अपने हाथ से ही सारा कुछ कंट्रोल करना पड़ता है। और इसका मेन मोटो है आपके पाम को रेस्ट करना, अपने जो लेफ़्ट हैंड है एक्सीलेटर जिसमें आप यूज़ करते हैं उसको रेस्ट देना होता है। आप ऐसे काफ़ी लॉन्ग राइड्स पे थक जाते हैं तो उस हिसाब से ये काम करता है। तो गाइस आपको आज की वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करना, और अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। तो अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम, जय हिंद, स्टे ट्यून। अपकमिंग हमारी राइड आने वाली है लद्दाख राइड और जंस्कार राइड, काफ़ी लंबी राइड होने वाली है, कम से कम 15-16 दिन की राइड है। तो मेरे साथ बने रहना अपने मेरे चैनल जाट ऑन व्हील्स पे, और हम क्रूज़ कंट्रोल कर रहे हैं अभी बाइक को।